हाय एवरीवन, फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग साथ बहुत दिनों बाद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है मेरा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी लिया है। ये साफ वाटर है और नॉर्मल पानी है। मैंने ना तो गर्म पानी लिया ना वैसे ही नॉर्मल पानी लिया है। मैंने इसमें एक चम्मच हल्दी डाल देंगे, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं इसे सेक कर रही हूँ अच्छे से। और इसके बाद सेक करने के बाद हम इसे क्या करेंगे ना, इसका जो उपयोग है मैं यहाँ पे पेड़ पौधों में करने वाली हूँ। बरसात के मौसम में क्या होता है ना, हमारे घरों में, घर के बाहर में प्लांट जो भी लगा रहता है, गमले में या फिर जो भी हम रोपे रहते हैं, बड़े पौधे और छोटे पौधे, उससे क्या होता है ना कि उसमें चींटियां पकड़ लेती है। उससे हमारा पेड़ जो होता है, पेड़ के जड़ में चींटियां पकड़ लेती है और पेड़ जो सूखने लगता है। और यहाँ पे देखिए कितना ही बादल लगा हुआ है और हमारे इधर ना बारिश ही हो रही है, अभी बारिश का मौसम भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पेड़ था, मैंने उसमें इसमें डाल दिया, उसके बाद दूसरे वाले में डाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसे डालते ही कितनी चींटियां निकल रही है इसमें से। तो यही चींटियां जो होती है ना, पेड़ के जड़ों को खा जाती है, जिसके कारण हमारा जो पेड़ का जड़ है ना वो खराब हो जाता है और पूरा पेड़ खराब हो जाता है, सूख जाता है। तो आप लोग भी जरूर एक बार इसे ट्राई करिएगा हल्दी वाला पानी डालने के बाद। देखिए कितना निकल रहा है और बादल देखिए कैसे लगा हुआ है हमारे इधर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप से हमारा इस तरीके का किचन के रैक को लेकर के, या फिर कोई भी वो टाइल्स वगैरह जो बिछा हुआ रहता है घरों में, उससे पे जो अगर तेल उल गिर जाता है तो क्या होता है ना, गिरने की संभावना बहुत जल्दी होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या सरसों का तेल थोड़ा सा यहाँ पे गिरा हुआ था, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इस पर मैं ऐसे पोछूंगी तो पूरा फैल जाएगा ये, तो इसलिए मैंने इसे क्या किया ना, गेहूं का आटा या फिर कोई सा भी आटा लेकर के, मैदा लेकर के इसके ऊपर डाल दीजिए। वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा मैदा को। उसके बाद इसे अच्छे से हम इसे इसमें से निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए चिपचिपा भी नहीं रहा। नेक्स्ट टिप्स है हमारे इस तरीके की कंघी को लेकर के। तो हमारे घरों में ऐसे वाले कंघी तो बहुत सारे रहते ही हैं पड़े हुए। तो क्या करते हैं हम इस कंघी का एक से दो मंथ यूज करने के बाद हम इस कंघी को हटा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना एक ब्लैक ब्लैक सी परत जम जाती है। तो हम इसे ना पॉन्स के पाउडर से साफ करके दिखाते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंघी को क्या किया है, इसके ऊपर पॉन्स का पाउडर डाल दे, कोई सा भी पाउडर आप ले लीजिए डाल दीजिए। और घर में जो पुरानी ब्रश होती है ना रखी हुई, उसकी हेल्प की सहायता से, जो हम यूज ना करते हो वैसा वाला ब्रश ले लेंगे, और उसकी सहायता से ऐसे इसे अच्छे से क्रश करेंगे, रब करेंगे। इसके ऊपर जो भी डस्ट होगा ना, एक्स्ट्रा डस्ट, वो पाउडर के पाउडर में मिलके निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस साइड से देखिए और इस साइड से देखिए, फर्क दिख रहा है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों कंघी को साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे तीनों कंघी को इसी तरीके से साफ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखी तीनों कंघी को इसी तरीके से साफ कर लिया है बारी बारी। तो आप लोग जरूर ये वाला ट्रिक अप्लाइएगा। तो ये मेरा तीसरा कंघी है, तो बहुत ही आसानी से साफ भी हो जाता है और बालों में एकदम फिसल के आता है। तो इससे क्या होता है, हमारे बाल भी गंदे नहीं होंगे और कंघी भी सफाई रहेगी। बिना धोए बिना गीला किए कंघी को मैंने यहाँ पे साफ किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।